हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, तीन से चार जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको लेके मैं आया हूँ, जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टरों को लेके। जो सबसे पहला इसमें कि जो फॉर्मर जो लेबर मिनिस्टर सर और जो करंट में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री विजय कुमार सिन्हा सर है, उनका जो स्टेटमेंट है कि क्या उसमें प्रतिक्रिया है और क्या उनके जो स्टेटमेंट है और उससे को लेके कितना हद तक ये रिजल्ट पे प्रभाव डाल सकता है, इसको लेके बात करेंगे। क्योंकि एक दो लगभग कल परसों से आप लोग जो पूछ रहे हैं ये बात। और दूसरा चीज़ ये है कि कट ऑफ और रिजल्ट का क्या अपडेट है। तीसरा चीज़ ये, जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं जो लोग अपकमिंग एएलपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेके ये सारा अपडेट है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। और ये क्लिप जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, तो एक से डेढ़ मिनट का जो क्लिप है आप लोग भी सुन लीजिएगा और इस पर क्या प्रतिक्रिया है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद मैं इस प्रतिक्रिया को दूंगा। तो ये आपके सामने ये वीडियो है और उसके बाद मैं इस प्रतिक्रिया के बाद कट ऑफ और रिजल्ट और किस जून से आपको एएलपी का फॉर्म भरना चाहिए, जो पोलिंग और सर्वे है उसके आधार पे मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहा है उसके आधार पे जो ये कहा जा रहा है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो बहाली है क्या वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रद्द करने की बात तो कहा ही जा रहा है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट जो सीटीआई है या नॉन सीटीआई है उसको लेके एक जो उवाफू की स्थिति है। तो सर ने यह भी कहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो पीआईएल दायर किया जाए, ठीक है, जो कि एक हाई कोर्ट का मामला हो जाएगा, रिट का मामला हो जाता है। और रिट जो आर्टिकल 32 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसके अंतर्गत आता है। और ये जितने भी सिटीजन है उनका ये एक अधिकार हो जाता है, ठीक है, जिसके आधार पे ये सारा चीज फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा तो इस रिजल्ट पे एक ग्रहण टाइप का आ गया, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बहाली प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, इसका न्यायपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो जांच हो रहा है जांच होगा, जो सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी है और जो धांधली की बात है उसको लेके ये मामला पूरा है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर ये चीज किया गया है सर के द्वारा कि निष्पक्ष तरीके से, और जो भी एक नेपोटिज्म जो भाई भतीजावाद के बारे में कहा जा रहा है तो उसको लेके जो फ्रेश एक पूरा निष्पक्ष जो एग्जाम होता है जैसा कि झारखंड में अभी देखने को मिला तो उस तरीके से बात किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपका रिजल्ट 100% जारी किया जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाँ, नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपके जो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उस पर प्रभाव करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग पे इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कट ऑफ जिनका जो जिस रेंज में आ रहा है उनका वैसे होगा, लेकिन रिजल्ट जारी जरूर किया जाएगा। भले ज्वाइनिंग में थोड़ा सा अड़ंगा आएगा, लेट सेट होगा, लेकिन इसका भी ज्वाइनिंग होगा। अगर पूरे तरीके से इस वैकेंसी को रद्द करना होता तो अब तक कोई सा भी दांव पेच लगा के इसको कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन जांच का मामला हो रहा है, जांच का मामला वो नियुक्ति प्रक्रिया के बाद भी होता है। तो कुछ हद तक 20-30% तक रद्द हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 70-80% चांस ये है कि ये प्रतिक्रिया, ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो रद्द होने का कम चांस है। दूसरा चीज एएलपी को लेके जो एक पोलिंग सर्वे किया गया है उसके आधार पे आप लोग जो पोल सर्वे किए हैं उसके आधार पे इस जोन से आप लोग अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपके सामने है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, फिर मुंबई, एससीआर, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, ठीक है, और यहाँ पे है आपका रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सिकंदराबाद और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा चांस है कि लड़के यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि जो 2018-19 में जो 19 में वैकेंसी आई थी यहाँ पे फॉर्म मुजफ्फरपुर में कम देखने को मिलता था, सिकंदराबाद और इलाहाबाद, कोलकाता, ये सब तो पहले से। तो देखा जाए तो मोटा मोटी जो मॉडरेट जोन है वो मालदा है, कोलकाता है, और आपका एक तरीके से देखा जाए तो पटना है और प्रयागराज है। तो यहाँ से आप लोग फॉर्म फिलहाल अभी फिल कर सकते हैं। और दूसरा देखा जाए तो आपके पास सिलीगुड़ी का भी ऑप्शन और रांची का भी ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये एक पॉजिटिव मैसेज यही दूंगा कि ये बहाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसने वाला है, लेकिन रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग भी होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, थैंक यू।